राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री साइड न्यूज। जनता दल यूनाइटेड की प्रखर प्रवक्ता अंजू महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री विधायकों के द्वारा चुना जा रहा है और इतिहास रचने जा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं उनकी मुख्य और प्रखर प्रवक्ता बताइए। जी, निश्चित रूप से जो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है, एनडीए को पूर्ण बहुमत अपना दिया है, उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विकास को चुना है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को चुना है, एनडीए के नेतृत्व को चुना है, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैडम, आप भी चुनाव लड़ रही थी, वहाँ क्या दिक्कत महसूस हुआ आपको? देखिए, अभी हम लोगों ने समीक्षा किया नहीं है, समीक्षा उस पर होनी है, समीक्षा के उपरांत वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि कहाँ क्या परेशानियाँ थी और क्या कारण रहा जहाँ जहाँ हम लोगों ने सीट को लूज़ किया है, तो समीक्षा के उपरांत ये बातें समझ में आ पाएंगी। विपक्ष के द्वारा हवा उड़ाई जा रही है मैडम कि नीतीश जी सरकार तो बना रहे हैं लेकिन अस्थायी मुख्यमंत्री नहीं हो पाएंगे, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष देखिए, विपक्ष के पास पहले भी कोई एजेंडा नहीं था, अभी भी कोई एजेंडा नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो अलायंस है, जेडीयू और बीजेपी का अलायंस नेचुरल अलायंस है और बरसों का अलायंस है। आप याद करिए 2000 का दौर याद करिए कि हम कितने छोटे दल के रूप में थे, तो भी भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वक्त थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम उन्होंने भी किया था। अंजू महारा ने कहा चुनाव में जीत हार होते रहती है लेकिन नीतीश कुमार जी पुनः इतिहास रचने जा रहे हैं। हमारे बड़े सहयोगी रुपेश कुमार झा जी के साथ कौशलेंद्र, जनता डेमोक्रेट कार्यालय पटना से।